तो वहीं पुंछ जिले में एक बार फिर भारी बर्फबारी और बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। भारी बारिश की वजह से पुंछ में फिर से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। बदले मौसम की वजह से ठंड का प्रकोप काफी बढ़ चुका है। ये जो मेन हमारा शेर कश्मीर ब्रिज है, इसके ऊपर जो काम होना चाहिए था, ये सिर्फ एक हफ्ते का काम था कि हमारा पुंछ पूरा लिंक अप हो जाता। ये हमारा पूरा एरिया, जो हमारा मेन रोड एरिया सुरनकोट दगवार, ये जितने एरिया हैं यहाँ चलास मंगनार, सारे समय कट ऑफ हो चुके हैं। आप देख रहे हो, पिछली बार भी हमने प्रोटेस्ट किया था कि इस पुल को जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाए, लेकिन रिस्टोर करने के बाद इन्होंने पीडब्ल्यूडी वालों ने क्या किया कि अपने पैसे का खाने के लिए, अपने पैसे का इंतजाम करने के लिए इन्होंने 5 करोड़ रुपए का एक अलग से इन्होंने पुल बनाया। यहाँ ये देखो, ये पुल का काम इन्होंने 4 करोड़ 70 लाख से अबव लगा है या उससे नीचे है, तो वो अगर पैसा यहाँ लगता इस तरफ तो ये पुल भी बन जाता। ये आज ये दुनिया जो 40-50 हज़ार के करीब दुनिया आमदोरफ्त ये होती है, ये आज दर बदर है। अगर वो पैसा यहाँ खर्च होता तो ये पुल बन जाता तो बहुत अच्छा था। मैं समझता हूँ ये पूरी तरह से बेकार, ऐसे पैसा वेस्ट किया लोगों का, ये टैक्स पेइंग करते हैं लोगों का, ये बहुत खून पसीने का पैसा है, गवर्नमेंट ऐसे ही हमारा पैसा बर्बाद कर रही है। तो अगर ये 4 करोड़ 70 लाख में यहाँ खर्चा होता, पुल के साथ जुड़ा होता, तो पुल हमारा पूरा बन जाता। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।